एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली सरकार की बजट की तैयारी विपक्ष के निशाने पर है। एमसीडी चुनाव का नोटिफिकेशन 10 मार्च के बाद हो सकता है। ऐसे में दिल्ली सरकार की पूर्ण बजट की तैयारी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। दिल्ली में पिछले एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली सरकार वोट ऑन अकाउंट यानी अल्पकालीन बजट ही लाती आई है। इस बार दिल्ली सरकार पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी में है। हालांकि वित्त मंत्री इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। आम आदमी पार्टी भी इस मामले में ज्यादा नहीं बोल रही। एमसीडी की डेट क्या अनाउंस हो गई है? उसके जो नोटिफिकेशन है वो 9 तारीख के आसपास होना है। ऐसी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है। इन आप एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अभी कोई एमसीडी की डेट अनाउंस नहीं हुई है। एमसीडी का चुनाव 2 महीने में होगा या 2.5 महीने में होगा ये पता नहीं है, परंतु जो बजट का टाइम है वो, और अगर आप इसे केंद्र सरकार के बजट के समय से तुलना करेंगे तो डेट्स अनाउंस होने के बाद ये सब हुआ है। विपक्ष के मुताबिक भी अगर केजरीवाल सरकार ऐसा करती है तो साबित हो जाएगा कि केंद्र की बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं। केंद्र ने भी 5 राज्यों के चुनाव से पहले आम बजट विपक्ष के ऐतराज के बावजूद पेश किया था। कांग्रेस ने मांग की है कि एलजी को केजरीवाल सरकार को बजट पेश करने से रोकना चाहिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वही गलती करी, उनको भी बहुत प्रीपोन करा उन्होंने बजट, जिसका कोई मकसद नहीं था, सिर्फ चुनाव को देखते हुए उन्होंने किया। उनका कोई उनको फायदा भी नहीं होने वाला, किसी जगह भी ये नहीं आ रहा कि इनको कहीं जीत हासिल हो रही है। वही गलती, सियासी गलती कह सकते हैं आप इसको, दानिश्ता तौर पर की जा रही है, वो भी आप पार्टी करने वाली है। तो जो बड़े बड़े वायदे करते थे, हमारी पारदर्शिता, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ये भी तो गलत काम है कि आप काम कुछ नहीं करा आपने, सिर्फ बजट में जो हमारे वोटर हैं उनको रिझाने के लिए कुछ चीज़ें आप ले आएंगे, मुझे लगता है सही नहीं है। और एलजी को संज्ञान लेना चाहिए, एलजी को डायरेक्टिव देना चाहिए। दिल्ली सरकार 7 से 9 मार्च के बीच बजट ला सकती है। 22 फरवरी के दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली आने के बाद कैबिनेट की बैठक में बजट सत्र की तारीख का ऐलान हो जाएगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से तरुण कालरा की रिपोर्ट।